ओम शांति। आज आपको स्वागत है। हम आज 2 दिन की रिकॉर्डिंग करेंगे, कल की 11 जून की और आज की 12 जून की। कल परमपिता परमात्मा ने हमें कहा क्या, देखते हैं उसको। बाबा चाहते हैं कि हम शुभ भावना के द्वारा हर चीज़ को परिवर्तन कर दें, नकारात्मक को भी हम सकारात्मक बनाते हैं और हम कंप्लेन करना छोड़ दें, ताकि हमारे संबंध बेहतर हों, हमारी सिचुएशंस बेहतर हो जाएं। तो देखें बाबा कहते क्या हैं। परमात्मा पिता कहते हैं, शुभ भावना से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले, व्यर्थ मतलब वेस्ट, को समर्थ मतलब यूजफुल में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। होली हंस उसे कहा जाता है जो नेगेटिव को छोड़ पॉजिटिव को धारण करे। एक हंस को भी कहते हैं कि वो पत्थर को छोड़ करके मोती को चुगता है, हंस की क्वालिटी होती है। तो हंस को पता है कि पत्थर क्या है और मोती क्या है। उसी तरीके से नेगेटिव हो गया पत्थर, पॉजिटिव हो गया मोती। देखते हुए सुनते हुए ना देखने देखें ना सुने। तो आपने कुछ नेगेटिव देखा, आपको सुनाई दे रहा है वो नेगेटिव, लेकिन देखते हुए भी और सुनते हुए भी उस पर फोकस, उस पर अटेंशन नहीं डालनी है। ये मेडिटेशन करने के बाद में ये ताकत आती है। कहना आसान है, लेकिन अगर आप मेडिटेशन नहीं करेंगे तो आपको अंतर नहीं पता चलेगा कि जो वर्ड्स की होती है वो भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आपके अंदर पावरफुल स्थिति है, मन में स्थिति है, तो आपको नेगेटिव वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी का कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको जो नेगेटिव सीन चल रहा है आपके आंखों के सामने, उसका भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो नेगेटिव अर्थात व्यर्थ बातें, व्यर्थ कर्म ना सुने, ना करें और ना बोलें। तो व्यर्थ कर्म को ना सुनना है, ना करना है और साथ ही ना बोलना है। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव में। इसके लिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना चाहिए। लोग कहते हैं ना, ये तो मेरा दुश्मन है, ये तो कभी बदलेगा नहीं, ये कभी मेरी बात नहीं मानेगा, ये हो गया उसको बतुआएं देना, ये शुभ भावना नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं उसको शुभ भावना देनी चाहिए। शुभ भावना से उल्टी बात भी सुलटी हो जाती है। लेकिन इसमें शुभ भावना ये नहीं कि आज आपने शुभ भावना दी कि चलो ये चेंज हो जाएगा, कल उसने वही कर्तव्य किया अपना, फिर नहीं चेंज होगा। ये व्यक्ति कभी चेंज नहीं होता है, ये नहीं। आपको कंटिन्यूसली, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, शुभ भावना देते रहना है। क्योंकि पानी जब पत्थर के ऊपर पड़ता रहता है, तभी जाकर के पत्थर के ऊपर लकीर बनती है। तो आपको भी शुभ भावना कंटिन्यूसली देनी है, ये एक दिन का काम नहीं है। फिर परमात्मा कहते हैं, शुभ भावना से उल्टी बात भी सुलटी हो जाती है। इसलिए कोई कैसा भी हो, आप शुभ भावना दो। कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे कितना भी नेगेटिव हो, चाहे नेबर हो, चाहे आपका साथी हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका संबंधी हो, शुभ भावना पत्थर को भी पानी कर देगी। व्यर्थ समर्थ में बदल जाएगा। पत्थर को भी पानी कर देना और पिघला देना, दूसरे व्यक्ति का मन क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जो कठोर बना हुआ है मन, दिल कठोर बना है, वो भी सुखी, शांत, निर्मल हो जाएगा आपके प्रति। ट्राई तो करिए, लेकिन उसके पहले अपने अंदर की भावना को परिवर्तन करना जरूरी है मेडिटेशन के द्वारा, जो कि हम ब्रह्म कुमारी में सीखते हैं। इसी के साथ ओम शांति।